और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लॉगिन पेज को कस्टमाइज करना सीखेंगे, जो कि वर्डप्रेस लॉगिन पेज है जहां पे हम लॉगिन होते हैं उस पेज को कस्टमाइज करना सीखेंगे कि आप उस पेज को कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे अगर मैं लोकल हॉस्ट वर्डप्रेस में जाता हूं और WP एडमिन में क्लिक करता हूं, तो यहां पे देखें तो आपके पास WP लॉगिन पे जब मैं क्लिक करता हूं तो देखिएगा, इसे फिलहाल क्लोज कर देते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं वर्डप्रेस लोकलहोस्ट वर्डप्रेस WP लॉगिन पेज की। तो ये जो पेज है आप देखें, आज के लेसन में इस चीज को हमने कस्टमाइज करना सीखने कि आप कस्टमाइज को कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पे WP एडमिन क्लिक करता हूं, डैशबोर्ड में आ जाएंगे और यहां से मैं विजिट साइट पे जाता हूं। तो ये पेज जो है तो कैसे हमने कस्टमाइज करना है, इसके लिए मैं यहां पे जाता हूं और वर्डप्रेस .org प्लगइन पे क्लिक करें और करते हैं जी यहां पे प्लगइन सर्च करते हैं वर्डप्रेस लॉगिन। यहां पे काफी सारे देखें वर्डप्रेस लॉगिन स्टाइल के ऑप्शन से कहा गया है और कस्टम लॉगिन फॉर्म के ऊपर आ गया, देखें इसी तरह वर्डप्रेस लॉगिन फॉर्म और एनीवेयर काफी सारे यहां पे ऑप्शन आ रहे हैं। और यहां पे क्या पास कस्टमाइज वर्डप्रेस लॉगिन पेज, इस पे राइट क्लिक करके ओपन करता हूं, जरा देखता हूं ये क्या इसका स्टाइल कौन सा है। इससे और भी लॉगिन देखें, लॉगिन लोगो एडिटर है और बहुत ज्यादा यहां पे लॉगिन से लॉगिन आपके पास काफी सारे यहां पे ऑप्शन आ रहे हैं। कस्टमाइज वर्डप्रेस लॉगिन आप यहां पे एक केवल आप मुझे अच्छा लगे इसके स्क्रीनशॉट देखते हैं जरा। ओके, तो आप लोगो भी इसमें ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, तो ये कुछ बेहतर है। और यहीं पे इसमें जो है तो अपने सोशल लिंक भी ऐड कर सकते हैं सोशल। ओके, तो ये जबरदस्त है। तो इसको मैं यहां से क्या करता हूँ कि इसको यहां से सिलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और अपने डैशबोर्ड में जाके तो यहाँ पे प्लगइन पे जाते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट करके यहाँ पे सर्च करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ गया, इसको आपने यहां से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लें। इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर अनपैक होगा और फिर अभी डाउनलोड हो रहा है, अनपैक होगा इंस्टॉल होगा, क्योंकि असल में ये जिप फॉर्मेट में होता है, जिप में कन्वर्ट किया होता है तो यहाँ से अनपैक होता है। अब डायरेक्ट यहां से भी जो है तो यहां से डायरेक्ट जो है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड या वर्जन डाउनलोड करके आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहां पे ओके एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करता हूं यहां से, और यहां पे एडमिन कस्टम लॉगिन आपके पास एक्टिवेट हो गया। और अगर आप ये देखें तो आपके पास यहां पे देखें अपीयरेंस में आई थिंक यहां पे आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शन है और सेटिंग में जाके यहां से देखते हैं एडमिन कस्टम लॉगिन, यहां पे इसका ऑप्शन आ गया सेटिंग में, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पे देखें तो आपके पास ये आ गया इसका ऑप्शन। डैशबोर्ड में आपके पास है एडमिन कस्टम लॉगिन स्टेटस,
आप यहाँ पर स्टेटस ऐड करना चाहें कर सकते हैं, एनेबल करते हैं एनेबल कर ली, डिसेबल करना चाह रहे हैं डिसेबल कर सकते हैं, और व्यू लॉगिन पेज कॉपी बिलो, आप इसको अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें तो डैशबोर्ड आ जाता है, बैकग्राउंड डिजाइन आ जाता है, लॉगिन फॉर्म सेटिंग आ जाता है, लॉगिन सेटिंग आ जाता है, लॉगिन लोगो सेटिंग आ जाता है, सोशल सेटिंग आ जाता है, बहुत बड़ी यहाँ पे लिस्ट थी देख सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट अगर डेटा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और रिकमेंडेशन है, बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड में यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस डैशबोर्ड में आपके पास बैकग्राउंड डिजाइन है, बैकग्राउंड पे क्लिक करें, और आपके पास बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लें, यहाँ से स्टैटिक बैकग्राउंड कलर देखते हैं, कलर दे सकते हैं आप, और इमेज ऐड करना चाह रहे हैं इमेज ऐड कर सकते हैं, और अगर स्लाइड शो आपने ऐड करना है तो बैकग्राउंड स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हैं, कुछ देर के बाद स्लाइड चलती रहेगी। तो मैं यहाँ से नो बैकग्राउंड करते हैं तो बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा, कोई बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट करते तो बेशक ना सिलेक्ट करें, स्टैटिक बैकग्राउंड है, और यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास सी बैकग्राउंड कलर आपने चूज करना है, बैकग्राउंड कलर चूज करना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है, इमेज आप चूज कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे लॉग इन फॉर्म सेटिंग है, लॉग इन सेटिंग है, और यहाँ पे देखें डार्क करते हैं, देखें बहुत जबरदस्त आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसी से आगे डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, और वर्चुअल अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।